वादा से ताल्लुक रखने वाला हसन अपने असातिज़ा के हमरा सीना ताने खड़ा है, क्योंकि जिस मकसद के लिए उसने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में शमूलियत इख्तियार की, आज वो सपना सच हो गया। पासिंग आउट परेड में 326 रिक्रूट समेत हसन की तरह बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 83 जवानों को जिस्मानी और तालीमी मयार में रियायत देकर भर्ती किया गया है। 6 माह की कड़ी मेहनत और सख्त तरबियत के बाद अब ये जवान अपनी अस्करी जिंदगी का आगाज करने के लिए पुरजोश है। रोजाना मैं साहिल की तरफ जाता था तो वहाँ रोज़ाना हमारे सिपाही खड़े होते थे पाकिस्तानी, उनको देखकर बस मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी अपने मुल्क की खातिर कुछ ना कुछ करूँ, कुछ बनूँ। पासिंग आउट परेड सिर्फ कोर्स मुकम्मल करने वाले जवानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम जवानों के लिए खुसूसी मराहत और सहूलियात का सामान भी साथ लाई। वज़ीर दाखला रहमान मलिक ने जवानों के लिए न सिर्फ कोस्टल अलाउंस देने का ऐलान किया बल्कि कराची में कोस्ट गार्ड्स के लिए अस्पताल तामीर करने और शोहदा फंड के क़याम का ऐलान भी किया। आज मैं शोहदा फंड का ऐलान करता हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से 10 लाख रुपए का डोनेशन उस शोहदा फंड के लिए पहली किस्त में देता हूँ। पासिंग आउट परेड में जवानों ने जिस्मानी मजबूती के इजहार के लिए जेर तरबियत मशकों का अमली मुजाहरा भी पेश किया, जबकि तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 3 जवानों को एजाजात भी दिए गए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के 34वें बैच की पासिंग आउट परेड में जहां जवानों के लिए पुरकशिश ऐलानात किए गए, वहीं कोस्ट गार्ड में पहली बार खवातीन के लिए 5% कोटा मुकर्रर करने का ऐलान भी किया गया। कैमरामैन कयूम शेख के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची।